शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण की जो सोने की लंका थी वो क्यों जली, और उसको जलाने वाले हनुमान जी थे या कोई और। तो चलिए हम आपको इस वीडियो बताते हैं, और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। तो हम आपको बता चुके हैं कि रावण को जो सोने की लंका जो प्राप्त हुई वो भगवान शिव ने उन्हें प्रदान की थी, क्योंकि गुरु दक्षिणा में उन्होंने सोने की लंका मांग ली थी जो कुबेर ने भगवान शंकर और पार्वती जी के लिए बनाई थी। और पार्वती जी उस वक्त कहती हैं कि जो सोने की लंका जो है मुझे नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी, और ये जलकर राख हो जाएगी। अब उस वक्त तो भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दान दे दिए, और माता पार्वती को जब ये बात पता चलता तो खिन्न होकर उन्हें कह भी दिया कि कैसे हो सकता है। और भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ पार्वती ने इसे अपना अपमान समझा, और माँ पार्वती ने प्रण लिया कि अगर ये सोने की लंका, सोने की महल मेरा नहीं हो सकता तो इस त्रिलोक में किसी और का भी नहीं हो सकता। यही सोने का महल बाद में रावण की लंका के नाम से जाना गया, और माँ पार्वती खुद अपने हाथों से इस महल को नष्ट भी करना चाहती थी। अब आगे सुनिए क्या होता है। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में रुद्रा उतार लिया। माँ पार्वती चाहती थी वे खुद लंका का नाश करें। इसे रामायण काल में जब सभी पात्रों का चयन हो गया कि भाई कौन क्या करेगा, कौन सा वाला रोल कौन, तो माँ पार्वती को कोई भूमिका नहीं मिली जिससे कि वे अपने अपमान का बदला ले सके। तब भगवान ने शिव कहा कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी अर्थात हनुमान जी की पूंछ बन जाना, जिससे आप स्वयं लंका दहन कर सकती हैं। और अंत में हुआ भी यही, हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ के रूप में माता पार्वती थी। इस लंका दहन के बाद माता पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को अपने पूंछ की अग्नि शांत करने के लिए सागर में जाना पड़ा। तो ये मूल कारण था। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो सोने की लंका जो चली वो एक्चुअल में किसने चलाई। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।